Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नैन, अपना खब्बा हाथ ममता दी फोटो बल कर। जी। आखिर गुरु जी कहन की वाले ने गुरु जी तुसी कहना की चाहते हो? नैन, तेरी बच्ची जिंदा है। मतलब मेरा दूजा बच्चा जिंदा है। जे नैन जुड़वा बच्चों बारे पता लग गया फिर? पर गुरु जी ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप अपनी मरी हुई बच्ची नूं वेख्या है? हां जी गुरु जी, नयन बिल्कुल ठीक कह रही है। हुन ओदा बच्चा जिंदा नहीं है, असी सारे ने ओदा संस्कार किया। नयन, ममता की मुक्ति तो बाद की तेन ममता फिर नजर आने लग पी सी? मैं वापस आवांगी, इस बार तू मैं देखन ते सुनन दे नाल नाल हाथ भी ला सकेंगी। हाँ जी गुरु जी, जिस दिन ममता माँ की मुक्ति हुई है उस दिन मैं दोबारा नजर आए तो उन्होंने मैं कहा कि उन्होंने कोई अधूरा काम है जो पूरा करन वापस आएंगे। कि तेरा बच्चा होने बाद तेनों दोबारा दिखाई देती सी? जे तू उन्हें दोबारा बुलावे तो की आएगी? नहीं गुरु जी,
जदों दा मेरा बच्चा पैदा होया उस तो बाद मैं ममता मां नूं वेख्या ही नहीं, ना ही ओह मैनूं मिलन आए। नहीं तां अगे पिछे जदों भी मैं किसे मुसीबत च हुंदी सी ममता मां मेरी मदद करन आ जांदे हुंदे सी, पर डिलीवरी तो बाद नहीं। मेरे ज्ञान अनुसार ममता ने इस धरती ते दोबारा जन्म ले लिया है। और ऐसे ले जिथे भी है सुरक्षित है ते खुश है। एदा मतलब किडनैप हुई बच्ची ममता हो सकती है। मैनू उस जीवन नू पूछना पड़ेगा कि उन्हें नयन दे बच्चे नू मारिया भी है या नहीं। गुरुजी एदा मतलब तय होया ना कि जेड़ी बच्ची नू सी मरिया समझ के काट देता वो जिंदा है। देख नैन, ये बेचारे तेन हूं आप ही हल करनी पड़ेगी। मेरा काम से तेन सच दसना जो मैं तेन दस दिता है। पर हूं तेन अपनी बच्ची तक पुजन लई रस्ता तेन आप ही लभना पड़ेगा। इस तो बाद तेन मैं कुछ नहीं दस सकता नैन। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।